हूं आपके साथ शीनम शर्मा। ये सबसे पहले बात करते हैं लोकसभा चुनाव की। लोकसभा चुनाव को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी ने अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं और आज देहरादून में बीजेपी अपनी मीडिया वर्कशॉप करने जा रही है, जिसमें चुनावों को लेकर बीजेपी आने वाली रणनीति बनाएगी और सुबह 10 बजे कार्यक्रम की अध्यक्षता बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट करेंगे। इसके समापन सत्र में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मौजूद रहेंगे। लोकसभा चुनाव को देखते हुए सोशल मीडिया में कैसे पदाधिकारियों को काम करना है, इसके टिप्स एंड ट्रिक्स समझाए जाएंगे, जिसमें बीजेपी के राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी और राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी भी मौजूद रहेंगे। चलिए सीधा रुख करते हैं, भारती सकलानी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं ज्यादा जानकारी के लिए, बातचीत के लिए। भारतीय जनता पार्टी पहले से ही तैयारियों में जुट चुकी है और आज एक और महत्वपूर्ण मीटिंग होने जा रही है बीजेपी की, क्या जानकारी बैठक को लेकर? देखिए, ये वर्कशॉप है और इसमें ट्रेंड यहाँ पर किया जाएगा। बीजेपी अपने सोशल मीडिया के जो पदाधिकारी हैं उनको ट्रेन करिए। वैसे ही अगर हम बात करें तो बीजेपी का सोशल मीडिया काफ़ी स्ट्रांग माना जाता है और सभी नेताओं को, अधिकारियों को, मंत्रियों को, सभी को यहाँ पर टारगेट दिए रहते हैं कि वो रोज़ाना डेली अपडेट यहाँ पर करते रहें अपने सोशल मीडिया हैंडल्स को। लेकिन अब स्पेशली ट्रेंड यहाँ पर किया जा रहा है क्योंकि लोकसभा चुनाव है और लोकसभा चुनाव में जनता के बीच में पहुँचना कैसे, सोशल मीडिया आज की डेट में एक सबसे मजबूत हथियार है और इसी पर काम कर रही है बीजेपी। इससे पहले आपको ध्यान होगा कि सोशल मीडिया वर्कशॉप पहले भी बीजेपी चला चुकी है, लेकिन इस बार प्रदेश भर से पदाधिकारियों को बुलाया गया है और इसमें कई सेशन होने वाले हैं। सुबह 10 बजे से वर्कशॉप शुरू होगी जिसको प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट यहां पर जिसका शुभारंभ करेंगे और समापन सत्र में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी यहां मौजूद रहेंगे। जी बहुत शुक्रिया भारती तमाम जानकारी विस्तार से देने के लिए। आगे बढ़ते हैं और जोशीमठ की बात करते हैं। पिछले साल आई आफत के बाद लोगों की चिंता यहां पर बरकरार है। वैज्ञानिकों ने जोशीमठ को हाई रिस्क जोन, मिडिल रिस्क जोन और लो रिस्क जोन में बांट दिया है, जिसके बाद लोगों में चिंता दिखाई दे रही है। डेंजर जोन में सरकारी स्कूल, तहसील परिसर, जोशीमठ, कोतवाली भी है, इसलिए सभी विभागों के अधिकारी निरीक्षण कर रहे हैं। दूसरी तरफ लोग अपने घरों को छोड़कर जाने के लिए तैयार नहीं है और जोशीमठ के जल्द ट्रीटमेंट की मांग कर रहे हैं। तो 3 जोन में बांट दिया गया है जोशीमठ को और अब लोगों को शिफ्ट किए जाने की तैयारी है। 1200 घरों को शिफ्ट किए जाने की बात कही जा रही है जिनमें दरारें आई है। पहले भी कुछ लोगों को शिफ्ट किया गया था जिनमें से कुछ लोग परेशान होने के चलते वापस लौट आए। नितिन सेमवाल खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं। नितिन, जोशीमठ में जो पिछले साल आफत आई उसका असर अभी तक देखा जा रहा है, जिन घरों में दरारें आ रही थी अब उन घरों से लोगों को शिफ्ट भी किया जा रहा था, अभी क्या ताजा अपडेट खबर को लेकर? जी, अगर जोशीमठ की बात करें तो जोशीमठ में वैज्ञानिकों ने लगभग 1200 घर ऐसे हैं जिन्हें शिफ्ट करने की बात कही है, लेकिन वे 1200 घर वो हैं जो यहाँ के कुछ मूल निवासी हैं और कुछ लोगों ने यहाँ पे जमीन खरीद के मकान बनाई है। जो स्थानीय लोग हैं यानी कि जिनकी बसावट 1940-1950 की है, वो ये कह रहा है कि हम जोशीमठ को छोड़कर कहीं भी नहीं जाएंगे और यहीं रहेंगे। सरकार को यहाँ का ट्रीटमेंट करना होगा और ये पहले से ही मांग उठ रही थी कि लोगों का ये कहना था कि जोशीमठ नगर को हटाने के बजाय जोशीमठ नगर को सुरक्षित किया जाए, जल्द से जल्द इसका ट्रीटमेंट कार्य शुरू किया जाए, लेकिन अभी वो कार्य शुरू नहीं हो पाया है। और ऐसे में जब से सरकार ने ये कहा है कि 1200 घरों को शिफ्ट करेंगे तो कहीं ना कहीं लोगों की चिंता ज़्यादा बढ़ चुकी है, लोग यहाँ से जाना नहीं चाहते हैं। इसके अलावा जो सरकारी विभाग हैं, चाहे वो सरकारी स्कूल हैं, तहसील परिसर है या जो पुलिस थाने हैं, उनको भी रेड जोन में रखा गया है। उनकी भी लगातार सर्वे और निरीक्षण चल रहा है क्योंकि वे रेड जोन में हैं। ऐसे में सरकार भी अभी वर्तमान समय में कोई बड़ा रिस्क लेना नहीं चाहेगी ताकि कोई जनहानि न हो या कोई बड़ा नुकसान न हो। फिलहाल अगर हम बात करें तो जोशीमठ नगर में लगातार CBRI की टीम बनी हुई है, PWD विभाग के द्वारा लगातार सर्वे की जा रही है। जो यहाँ के प्राकृतिक
अवरोध हैं, जो जमींदोज हो गए थे उन्हें पुनर्जीवित करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन फिलहाल अगर देखा जाए तो स्थानीय लोगों ने एक बार फिर से सरकार के खिलाफ कहेंगे तो मोर्चा ही खोल दिया है कि वो यहाँ से जाना नहीं चाहते हैं। बैठकों का दौर लगातार वार्ड वाइज हो रहा है और उसमें ये निकल कर आ रहा है कि जोशीमठ नगर के जो स्थानीय लोग हैं वो कहीं भी शिफ्ट होना नहीं चाहते हैं, चाहे कुछ भी हो जाए। लोग यही कह रहे हैं कि हमारी रोजी रोटी, व्यापार और खेती यही है तो हम यही रहना पसंद करेंगे। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए आपका नितिन। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं सालों से ठप पड़ी पिथौरागढ़ की हवाई सेवा, जो कि आज फिर से शुरू होने जा रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सुबह 10:30 बजे फ्लाई बिग एयरलाइंस के 19 सीटर प्लेन से नैनी सैनी एयरपोर्ट पहुंचेंगे और हवाई सेवा का उद्घाटन करेंगे। जिस प्लेन से मुख्यमंत्री एयरपोर्ट पहुंचेंगे उसी से बाद में नियमित हवाई सेवा संचालित की जाएगी। विजयवर्धन उप्रेती हमारे साथ पिथौरागढ़ से लाइव जुड़ चुके हैं। विजयवर्धन, सीएम पुष्कर धामी आज उद्घाटन करने वाले हैं यहाँ से, एक बार फिर से यहाँ से फ्लाइट शुरू होने वाली है और क्या जानकारी इस पूरे कार्यक्रम को लेकर? जी निश्चित तौर पर एक बड़ा इंतजार यहाँ के लोगों का था, तकरीबन 4 साल से इस दिन का इंतजार कर रहे थे कि पिथौरागढ़ से एक नियमित हवाई सेवा शुरू हो जो पिथौरागढ़ को अन्य जिलों से जोड़े। तो आज पुष्कर सिंह धामी जो मुख्यमंत्री हैं उत्तराखंड सरकार के, वो इस हवाई सेवा का उद्घाटन यहाँ पर करेंगे। हालांकि आज एक सिर्फ विधिवत उद्घाटन यहाँ पर है तकरीबन 10:30 बजे सुबह, लेकिन 2 फरवरी बताया जाए 2 फरवरी से पिथौरागढ़ से देहरादून और पंतनगर के लिए नियमित उड़ान यहाँ पर से शुरू होगी। फ्लाईविग एयरलाइंस का 19 सीटर प्लेन के जरिए ये हवाई सेवा यहाँ पर शुरू करने का प्लान तैयार किया जा रहा है। यहाँ पर लंबे समय से लोग हवाई सेवा की मांग कर रहे थे, कई आंदोलन भी यहाँ पर हुए और इसके बाद सरकार ने भरोसा दिया था कि 26 जनवरी तक हर हाल में हवाई सेवा को शुरू किया जाएगा, लेकिन किन्हीं कारणों से 26 जनवरी को हवाई सेवा शुरू नहीं हो पाई। अब आज 30 जनवरी को इसका उद्घाटन है और 2 फरवरी से नियमित तौर पर यहां से हवाई सेवाएं शुरू होंगी। जी विजयवर्धन, अगर कोई जानकारी मिल पाई हो, सीएम पुष्कर धामी कितने बजे के आसपास पहुंच जाएंगे पिथौरागढ़? जी मैं आपको बताऊं, उनका कार्यक्रम तकरीबन 10:30 बजे का है। जिस प्लेन से हवाई सेवा यहां पर शुरू होनी है उसी प्लेन के जरिए वो नैनीसैनी एयरपोर्ट पहुंचेंगे और तकरीबन 2 घंटे का नैनीसैनी एयरपोर्ट में ही कार्यक्रम है, हवाई सेवा का यहां पर शुभारंभ वो करेंगे। साथ ही जो कार्यकर्ता है उनसे बात करेंगे, स्थानीय लोगों से बात करेंगे, उसके बाद तकरीबन 12:30 बजे वो यहां से वापसी करेंगे। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया, विस्तार से आपने जानकारी दी विजयवर्धन उप्रेती। आगे बढ़ते हैं, बहुप्रतीक्षित यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर तस्वीर साफ हो गई है। यूनिफॉर्म सिविल कोड का ड्राफ्ट तैयार कर रही कमेटी 2 फरवरी को इसे सरकार को सौंप देगी। पूरे देश की नजर उत्तराखंड और यूनिफॉर्म सिविल कोड पर टिक गई है। उन्होंने हमको बताया है कि 2 तारीख को वो हमको ड्राफ्ट दे देंगे और उनका ड्राफ्ट देने के बाद उसका आकलन करेंगे, उसको मंत्रिमंडल में लाएंगे, उसके बाद विधानसभा में जो विधेयक बनने की दिशा में, एक्ट बनने की दिशा में जो कार्रवाई होती है उस कार्रवाई को हम आगे बढ़ाएंगे। जनसंघ के दौर से बीजेपी के कोर एजेंडे में रहे यूसीसी को बाहर लाने और अमली जामा पहनाने का क्रेडिट मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को जाता है। 2022 के विधानसभा चुनाव में जाने से पहले उन्होंने इसका वादा किया और अब लोकसभा चुनाव से पहले राज्य सरकार इसे पूरा करने जा रही है, लिहाजा सियासत गर्मा गई है। हालांकि सियासी दल फूंक फूंक कर प्रतिक्रिया दे रहे, कांग्रेस मसौदा पढ़ने की बात कहती है तो समाजवादी पार्टी ने इसे चुनावी स्टंट करार दिया है। कई बार जो है कहते हैं कि ड्राफ्ट बन करके तैयार हो गया है और हम इस सत्र में इसको लाएंगे, इस सत्र में हम लाएंगे, लगातार तिथियां बढ़ रही है। 5 तारीख से सत्र शुरू है और यूसीसी का जो मसौदा है जब सदन के अंदर आएगा उसको पढ़ने के बाद हम कोई बात कह पाएंगे। ये जो अभी विधानसभा का सत्र बुला रहे हैं और उसमें लाने का तो है कि ला देंगे, लेकिन उसके बाद कहा है कि एक किसी कमेटी को चला जाएगा, सिलेक्ट कमेटी को चला जाएगा और ये केवल एक चुनावी माहौल बनाने के लिए, एक विशेष समुदाय को उसे डराने के लिए और एक विशेष समुदाय को खुश करने के लिए। बीजेपी का कहना है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड जनता के हित में है। अगर कोई पार्टी यूसीसी का विरोध करती है तो बीजेपी या फिर सरकार का विरोध नहीं माना जाएगा, बल्कि ये उत्तराखंड की जनता की भावनाओं का विरोध माना जाएगा। तो उसका काहे का विरोध है?
भाई वो तो रिलेटेड टू पब्लिक है ना, पब्लिक को लेकर के हम कानून ला रहे हैं, तो पब्लिक अगर वो हमारा विरोध थोड़ा ना करेंगे, वो तो पब्लिक का विरोध करेंगे। अगर आज कोई भी पार्टी यूसीसी का विरोध करती है तो वो उत्तराखंड के 101,30,00,000 लोगों का विरोध करती है। यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करने वाला उत्तराखंड पहला राज्य होगा और पहले मुख्यमंत्री होंगे पुष्कर सिंह धामी। लिहाजा यूसीसी के ड्राफ्ट पर और विधानसभा सेशन पर पूरे देश भर की नजर टिकी होंगी। देहरादून से न्यूज 18 के लिए सुनील नवप्रभात की रिपोर्ट। उत्तराखंड के मुख्य सचिव एसएस संधू 31 जनवरी को रिटायर हो रहे हैं, लेकिन कयास ये लगाए जा रहे हैं कि संधू को दूसरी बार भी एक्सटेंशन मिल सकता है। अभी 6 महीने के एक्सटेंशन पर वो चल रहे हैं और संधू को पीएमओ का भी पसंदीदा माना जाता है। उत्तराखंड में केंद्र की कई योजनाएं चल रही हैं जिन्हें संधू के कार्यकाल में अच्छी तरह से एग्जीक्यूट किया गया, लिहाजा माना ये जा रहा है कि संधू को एक बार फिर से 6 महीने का एक्सटेंशन मिल सकता है। अगर संधू को एक्सटेंशन नहीं मिलता है तो फिर उनके बाद सीनियर आईएएस राधा रतूड़ी होंगी। हालांकि राधा रतूड़ी का भी कार्यकाल 31 मार्च तक का ही बचा है और राधा रतूड़ी मुख्य सचिव अगर बनती हैं तो वो राज्य की पहली महिला मुख्य सचिव होंगी। और बड़ी खबर देहरादून से आ रही है जहां पर उत्तराखंड में अगले 2 दिन में मौसम बदलने वाला है। मौसम विज्ञान केंद्र ने बुधवार और गुरुवार को कहीं कहीं पर हल्की बारिश की संभावना जताई है। ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी का भी पूर्वानुमान जताया गया है। रामनगर में ग्रामीणों ने सावलदी में कल रास्ता जाम कर प्रदर्शन किया, जिससे कोई भी पर्यटक दोपहर की पाली में ढेला और झीरना जोन नहीं जा सका। स्थिति यहां तक आ गई कि पंजाब के जेड प्लस सुरक्षा प्राप्त विक्रमजीत मजीठिया को भी अपनी फ्लीट के साथ वहां से बैरंग लौटना पड़ा। हालांकि दूर दूर से आए पर्यटक इन दिनों जोनों में नहीं जा सके, बावजूद इसके उन्हें इसका कोई मलाल भी नहीं दिखा, बल्कि वो जनता के ही स्पोर्ट में दिखाई दिए। ग्रामीणों की ये मांग है कि इलाके को बाघ के आतंक से बचाया जाए, तुरंत आदमखोर बाघ को पकड़ा जाए। बागेश्वर के कपकोट के सौराग गांव के ग्रामीण लंबे वक्त से सड़क के लिए संघर्ष कर रहे हैं। 24 साल बाद यहां पर 11 किलोमीटर सड़क गांव तक नहीं पहुंच पाई है। साल 2000 में यहां पर 11 किलोमीटर सड़क को मंजूरी मिली। 2 दशक के बाद आधी सड़क तो बन गई, लेकिन गांव को जोड़ने वाला 60 मीटर का पुल टेंडर होने के बाद भी अब तक नहीं बन पाया है, जिससे नाराज ग्रामीणों ने अब जिला मुख्यालय पर क्रमिक अनशन करने का फैसला किया है। लेके हम रोड पर आते हैं, 10-11 किलोमीटर हम वहाँ तक पहुँचते हैं, रोड पर पहुँचते हैं तब हम गाड़ी व्यवस्था करते हैं, तब जाके हम सीएससी या डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल तक पहुँचते हैं हम यहाँ पे। यही हमारी समस्या है, हमें बहुत दिक्कतें आती है हमें गर्भवती को लेकर मरीजों। पौड़ी में अंकिता भंडारी की मां की तबीयत खराब होने के बाद उन्हें जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। अंकिता की मां सोनी देवी को जिला अस्पताल पौड़ी के आईसीयू वार्ड में भर्ती कराया गया। अंकिता की मां का ब्लड प्रेशर अचानक से बढ़ गया था, जिसके बाद उन्हें जिला अस्पताल भर्ती कराया गया। डॉक्टर का कहना है कि अंकिता की मां की हालत अभी स्थिर है। अंकिता का मम्मी सोनी देवी जी 3 दिन से हमारे हॉस्पिटल में भर्ती थी। ये आई थी कंप्लेंट के साथ, 3 दिन से बुखार हो रहे हैं और खांसी जुकाम हो रहा है। हमने उसको ट्रीटमेंट दिया 3 दिन और इंजेक्शन भी दिया, एंटीबायोटिक दिए। अभी फिलहाल ठीक है और खून के जांच भी किया, सब नॉर्मल आए। उत्तरकाशी के जिला महिला अस्पताल रेफर सेंटर बन गया है, जिससे दूर दराज से पहुंच रही कई गर्भवती महिलाओं को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। देखिए, उत्तरकाशी का जिला महिला अस्पताल मात्र रेफर सेंटर बनकर रह गया है। आंकड़े बताते हैं कि अक्टूबर में 17, नवंबर में 15 और दिसंबर में 29 गर्भवती महिलाओं को रेफर किया गया और 2024 जनवरी में 35 गर्भवती महिलाओं को अब तक रेफर किया जा चुका है, जिससे स्थानीय लोग पहाड़ की स्वास्थ्य सेवाओं पर सवाल खड़े कर रहे हैं। आज उत्तरकाशी के जो चिकित्सालय की जो दशा है वो दयनीय स्थिति में है।
कि दो दो गायनो यहाँ पे उत्तर का जिला चिकित्सालय में है, लेकिन मौके पे जो है आज एक भी नहीं है। पता करने में पता चलता है कि दोनों के दोनों छुट्टी पे है। 5% महिलाएं जो है प्रसव के लिए जो है तो देहरादून जाना पड़ता है, या तो जो है आकाश में किसी की जो है रास्ते में भी जो है दुर्घटना वश जो है वो मृत्यु हो जाती है, ऐसे भी जो है कैसे जो है अभी हाल ही में जो है हुआ है। महिला अस्पताल में दो स्त्री रोग विशेषज्ञ होने के बाद भी सुविधाओं के अभाव की बात लोग कर रहे हैं। हालांकि जिला अस्पताल के CMS व्यवस्था को सुधारने की बात कह रहे हैं। देख रहे हैं राज्य हमारे पाली परिवार में 3 जो चिकित्सा अधिकारी हैं, उनके द्वारा जो देखा जा रहा है, तो इस प्रकार से सबको जो है मार्गदर्शन बीच बीच में भी सबको मार्गदर्शन कर रहा हूँ, और जल्दी जो है इसका कुछ जो है हॉस्पिटल जल्दी हमारी गायनोलॉजी वापस आ जाएगी तो समस्याएं जो है। महिला अस्पताल में उत्तरकाशी के साथ टिहरी जिले के प्रताप नगर और लंब गांव क्षेत्र की गर्भवती महिलाएं भी प्रसव के लिए पहुंचती हैं। ऐसे में महिला अस्पताल की सुविधाओं को जल्द सुधारने की दरकार है। News 18 के लिए उत्तरकाशी से बलबीर परमार की रिपोर्ट। नैनीताल में टैक्सी यूनियन की हड़ताल खत्म हो गई है। पिछले 3 दिनों से टैक्सी यूनियन फिटनेस को निजी हाथों में देने का आरोप लगाया जा रहा है। टैक्सी यूनियन की हड़ताल की वजह से पर्यटकों से लेकर स्थानीय लोगों की दिक्कतें बढ़ गई हैं। आज टैक्सी यूनियन और RTO समेत निजी कंपनियों के अधिकारियों की बैठक हुई, जिसके बाद टैक्सी यूनियन ने हड़ताल को वापस ले लिया है। तो मीटिंग हुई जो सकारात्मक रही, और RTO और फिटनेस कंपनियों द्वारा मतलब आश्वासन दिया गया है कि मतलब आपको जो उचित दरों में पहले RTO द्वारा कार्यालय में फिटनेस की जाती थी, उसी दरों में हमारे यहाँ से फिटनेस की जाएगी, ये आश्वासन मिला है। इसी आश्वासन के तहत हम लोगों ने टैक्सियों का संचालन सुचारू करने का निर्णय लिया है। और चलिए अब एक नजर डालते हैं पहाड़ की 10 बड़ी खबरों पर। चेक का क्लोन बनाकर सरकारी विभागों से लाखों की धोखाधड़ी करने वाले 2 ठगों को बिहार के पटना से गिरफ्तार किया गया। आरोपियों ने यमकेश्वर के सरकारी खातों से भी ठगी की थी। हरिद्वार में सड़क सुरक्षा समिति की बैठक में राज्यसभा सांसद नरेश बंसल ने कहा, सड़क हादसों में कमी लाने के लिए अधिकारी एक प्लान तैयार करें। बीजेपी ने गांव चलो अभियान चलाया, जिसमें अल्मोड़ा में बीजेपी जिलाध्यक्ष ने सभी पदाधिकारियों को जिम्मेदारी दे दी है। विकासनगर में बीजेपी ने 150 लोगों को पार्टी में शामिल किया। विधायक मुन्ना सिंह चौहान के नेतृत्व में कई नेताओं ने कांग्रेस छोड़कर बीजेपी का दामन थामा। हल्द्वानी में कई पूर्व फौजियों को बीजेपी ने पार्टी की सदस्यता दिलवाई। पूर्व मंत्री गोविंद सिंह बिष्ट ने 50 से ज्यादा फौजियों को पार्टी की सदस्यता दिलाई। रुद्रप्रयाग में मुख्य विकास अधिकारी ने जनता दरबार लगाया, जिसमें 6 शिकायतों का मौके पर निपटारा किया गया। जनकपुर में सड़क सुरक्षा महीने के तहत बच्चों की प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें 135 स्टूडेंट्स शामिल हुए। उत्तराखंड की केदार घाटी में बड़े बूढ़ों की याद में पितृ कूड़ा को पूजने की परंपरा पर मसूरी के प्रदीप भंडारी ने पितृ कूड़ा फिल्म बनाई है, जो आने वाले शुक्रवार को रिलीज हो रही है। उत्तराखंड पेयजल निगम और उत्तराखंड जल संस्थान का एकीकरण करने की मांग को लेकर कर्मचारियों का धरना जारी है। अल्मोड़ा में कर्मचारियों ने कार्यालय के बाहर धरना दिया है। देहरादून में डाउन सिंड्रोम ऑटिज्म जैसी दिक्कतों के साथ जन्म लेने वाले बच्चों को कैसे चीजें सिखाई जाए, इसके लिए स्पेक्स संस्था ने वर्कशॉप का आयोजन किया। और वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, आगे देखिए सुबह 8 बजे की स्पेशल खबरें।